खाने में ना बनाते टाइम थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कभी कभी अच्छी लगती है। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे काबुली चने की बहुत ही स्पाइसी सी स्नैक्स, बहुत बढ़िया बनते हैं काबुली चना चिली बनाएंगे। देख लेंगे हमें इसके लिए, ये मैंने एक बड़ी कटोरी भरकर काबुली चने बॉइल्ड लिए हैं और इसमें मैं डाल दूंगी, ये मेरे पास कॉर्न फ्लोर है, 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर डाल दूंगी। थोड़ा सा बिल्कुल इसमें नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे और इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चनों के ऊपर अच्छे से इनकी कोटिंग हो जाए। ये देखिए ऑयल मैंने गरम किया हुआ है, अब ये कोटेड जो चने हैं इनको हम हल्का फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। 3-4 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से क्रिस्पी होने में, तो इनको पहले तो हम हिलाएंगे नहीं, फिर उलट पलट करके हर तरफ से इनको हम क्रिस्पी करेंगे। ये चने हमारे अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं, प्लेट में निकाल लेंगे हम इनको। दोबारा से पैन ले लेंगे, उसमें ये बारीक चॉप किया हुआ 5-6 कलियां लहसुन की मैंने ऐड करी। इसमें आप बारीक काट के अदरक और हरी मिर्च भी इसी टाइम पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, फिर इसमें इस तरह से ये देखिए मैंने प्याज एक और एक छोटी सी शिमला मिर्च कट करी है वो ऐड कर देंगे। हल्का साते करेंगे इनको, हमने पूरा पकाना नहीं है और फ्लेम को फ्रेंड्स हम हाई ही रखेंगे। एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, सॉसेज डाल के टाइम आप फ्लेम को स्लो कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि मैंने इसमें कोई मिर्ची नहीं डाली तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस का ऐड किया और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे सिरका। 1/4 टीस्पून जितना मैंने नमक ऐड किया, नमक हम चेक कर लेंगे क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है, तो पहले कम ही डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च अब ये इसमें हम डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मिक्स किया। पहले इन सॉसेज को मिक्स कर लेंगे फिर ये कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे। थिक होने देंगे, थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। गाढ़ा हो गया, बस इसमें हम ये अपने जो हमने चने फ्राई करे थे वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच अजीनोमोटो अगर ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया ऐड कर दिया फ्रेंड्स, ये स्नैक्स इतने बढ़िया लगते हैं खाने में। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से डिश में हम सर्व करेंगे, जरूर से ट्राई कीजिए आप इस रेसिपी को, बहुत ही पसंद आएगी आपको। और फ्रेंड्स कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।